में अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। गिरफ्तार अपराधियों का डेटाबेस तैयार होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी में अपराधियों पर अब शिकंजा लगातार कसा जाएगा। ऐसे में गिरफ्तार अपराधियों का डेटाबेस तैयार होगा। अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेकर ये डेटाबेस तैयार किया जाएगा। गिरफ्तार होने वाले सभी आरोपियों का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। एनसीआरबी ने एक नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिटी सिस्टम तैयार किया है। भविष्य में क्राइम सीन होने पर फिंगरप्रिंट से होगी अपराधियों की पहचान। तो अपराधियों की पहचान भविष्य में हो सके, इसको लेकर अब एक तैयारी की जा रही है। मयूर शुक्ला संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। मयूर, अब अपराधियों पर शिकंजा तो पहले से ही कस रहा था, लेकिन और कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके अपराध पर, इसको लेकर एक बड़ी खबर है ये। हाँ बिल्कुल, देखिए यूपी के जितने भी अपराधी हैं अब उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी आरके विश्वकर्मा ने यह आदेश जारी किया है कि जितने भी अपराधी हैं उनका फिंगरप्रिंट लेकर उनका एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में कहीं कोई घटना होती है, कहीं भी कोई क्राइम होता है तो वहाँ पर जाकर अगर कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं तो उन फिंगरप्रिंट्स से जो डेटाबेस में फिंगरप्रिंट मौजूद रहेंगे उनसे मिलान किया जाएगा, तो इससे अपराधी को पकड़ने में आसानी होगी। इसी के साथ जब भी कोर्ट में पुलिस किसी भी अपराधी को पेश करेगी उससे पहले बिल्कुल रोकेंगे आपको, क्योंकि इस वक्त